विधायक सीपी सिंह ने कहा कि 25 जून को पार्टी पूरे देश में काला दिवस मनाएगी। आज के युवाओं को आपातकाल के बारे में बताने की जरूरत है। वहीं मांडर विधानसभा उपचुनाव में गंगोत्री कुजूर की जीत तय है, उन्होंने ये दावा किया। बेशर्म की तरह इन पर हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर आरोप लगाने का काम कर दिया। निशा और एक होता था DIR यानी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, उसके तहत गिरफ्तारियां होती थी। शक है कि देश में आपातकाल क्यों लगा, कैसे लगा, किसने लगाया और उस आपातकाल के अंदर कौन कौन ऐसे गैरकानूनी काम श्रीमती गांधी की सरकार ने किया है। 25 जून को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रत्येक जिले में इसे काला दिवस के रूप में बनाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मांडर की जनता को ढेर सारी बधाइयां देते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी बहुमत देने का काम किया। वैसे तो रिजल्ट 26 को होगा लेकिन बधाई भारतीय जनता पार्टी मांडर की जनता को पहले देने का काम करती है जिन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर उन्होंने मुहर लगाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती गंगोत्री कुजूर जी भारी बहुमत से विजयी बनाई होंगी, इसके लिए मांडर की तमाम जनता को ढेर सारी बधाई। कांग्रेस के लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।